वेलकम टू एम एंटरटेनमेंट्स जू पार्क पार्ट 3। पार्ट 2 में एनिमल्स और लियोपार्ड देख लिए अपन। अभी वे टू बटरफ्लाई पार्क, ये अभी बटरफ्लाई पार्क की तरफ जा रहे हैं अपन। ये कंप्लीट बटरफ्लाई के लिए बनाया है। अंदर चलते हैं, देखेंगे पार्क किस तरह से है। ये बटरफ्लाई पार्क मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा भी दिखा। इसमें जो डिज़ाइंस बनाए, जो पेड़ पौधे बनाए, बहुत अच्छे से सुंदर से बनाए हैं। ये जो पेड़ों से बटरफ्लाई डिज़ाइन वाला बना दिए। अंदर ये बटरफ्लाइज के लिए है कंप्लीट पार्क। यहाँ पे फ्लावर्स के पेड़ भी ज़्यादा है। ये जो डिज़ाइंस बनाए राउंड शेप वाले, ये देखने के लिए बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अच्छे दिखे ये पेड़। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उस जू पार्क वालों ने बहुत मेहनत किए हैं ये बनाने के लिए डिज़ाइंस। मुझे अच्छा दिखा इसके अंदर घूम के बटरफ्लाई पार्क, बट एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी मुझे। यहाँ पे देखिए, ये भी फ्लावर्स, अभी बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बना के उसके अंदर पेड़ लगाए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा है डिज़ाइन। अभी यहाँ से अपन और एक जगह जाएंगे, वो जो है अभी आगे बताने वाला हूँ। ये देखिए जाने के लिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये पेड़ों से जो बनाए जो डिज़ाइन, ये जाली वगैरह लगा के जाने के लिए वे जो बनाए, बहुत अच्छा है वे। अभी आगे अपने को एक पुल यानी एक ब्रिज आएगी। ये ब्रिज के नीचे से पानी सप्लाई होता, यहाँ पे अच्छे से व्यू रहेगा। जो डिज़ाइन बनाए, ये जो ब्रिज बनाए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़े मैं फोजेस मार के फ़ोटोज़ भी लिया, थोड़े फ़ोटो सुधरा। अभी वो फ़ोटोज़ इसमें वीडियो में नहीं डाल सकते, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है। जो पेड़ वगैरह जो भी है, अच्छे डिज़ाइन से कट करके है। जो यहाँ पे बैठ के अच्छे से टाइम पास कर सकते, कुछ भी खाने की चीज़ वगैरह अगर फैमिली के साथ ला लिए, बैठ के खा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। और बच्चे भी जो भी गेम्स खेलना चाह रहे, लाइक शटल, वॉलीबॉल, जो कुछ भी है यहाँ पे खेल ले सकते। बच्चे को बहुत पसंद आ जाएगा ये जगह। अभी अपन एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर देखने जाएंगे। सामने एक एनवायरमेंटल एजुकेशन का म्यूज़ियम है। यह म्यूज़ियम देखेंगे, म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है, जब ओल्ड पूरे ओल्ड थिंग्स रखे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे अपन अभी अंदर जाके। ये एंट्रेंस है। यहाँ सामने फिश का एक्वेरियम है। यहाँ पे पूरे जो भी पुराने ओल्ड थिंग्स जो भी है यहाँ पे रखे हैं। अपन आहिस्ता पूरे देखेंगे डिटेल्डली। अभी देखिए ये अपना सोलर सिस्टम, लाइक जब आदिवासियों ने एग्रीकल्चर कैसा करते थे, जबकि एनिमल्स कौन से है, वो एनिमल्स को हंटिंग कैसा करते थे, जो इक्विपमेंट यूज़ करते थे, वेपन्स, वो हर चीज़ है यहाँ पे। ये जबकि लोग आदिवासियों ने जो उसके स्कल्स है एनिमल्स के, ये सीड्स है, जब भी एग्रीकल्चर करने के जो सीड्स यूज़ करते थे वो सीड्स है आदिवासियों का। ये पूरे स्कल्स है जो भी जानवरों के, एनिमल्स के। यहाँ पे देखिए, प्रेस द बटन एंड लिसन द साउंड, एनिमल साउंड सुन सकते अपन यहाँ पे बटन प्रेस करके। ये बटन काम नहीं कर रहा। ये
ये टाइगर का डिजाइन भी बना के रखा है वो म्यूजियम में। यहाँ से अभी म्यूजियम से बाहर निकलते हैं अपन। अभी आगे अपन कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ जाएंगे। ये जू पार्क में कैंटीन भी है, यहाँ पे कैंटीन में हर चीज़ मिलेगा, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, जो भी बच्चे पसंद करेंगे हर चीज़ मिलेगा। ये जो डिज़ाइन देखिए सीमेंट से ही बनाया लेकिन वुड शेप दिया है। ये ड्रम स्टाइल में बनाया है टेबल, इस पर बैठ के खाने के लिए अच्छा दिखा है मुझे। ये डिज़ाइन जो बनाए बहुत अच्छा बनाए। ये ड्रम का डिज़ाइन है, उधर अलग डिफरेंट डिज़ाइंस, तीन टेबल बनाए हैं ये लोग ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे पूरे तीन पार्ट देखने के लिए, और पार्ट वन पार्ट टू देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।